एवरीवन, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम फ्रैंकेनस्टीन का पार्ट टू करने वाले हैं। पार्ट वन ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ गया है, जहाँ पे हमने ऑथर के बारे में डिस्कस किया था और चैप्टर 1 से 15 तक कवर किया था। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, जिससे आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ पाए और आप लिंक कर पाए अभी तक हमने क्या पढ़ा है। चलिए फिर चैप्टर 16 से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, अब वो भाग गए वहाँ से क्योंकि वो डर गए थे सब लोग। बट उसको लगता है कि वहाँ पे उसको अब सॉरी मांगने तो जाना ही चाहिए। मॉन्स्टर जैसे वहाँ पे पहुँचा है तो उसको दिखता है कि वो लोग वहाँ से मूव आउट हो गए हैं, निकल गए हैं वहाँ से। तो अब उसे लगता है कि उसका जो एकदम लास्ट लिंक था सोसाइटी से, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। अब वो क्या चाहता है? रिवेंज। अब वो चाहता है कि विक्टर भी कुछ ऐसा ही फील करे। तो जब वो जा रहा होता है वे में, तो उसको एक ब्यूटीफुल गर्ल मिलती है जिसको वो बचाता है। बहुत वीक्स बाद जैसे ही मॉन्स्टर जिनीवा पहुंचता है, उसे एक यंग बॉय मिलता है। तो उसे लगता है कि यंग बॉय डरेगा क्यों, तो बहुत यंग है, तो उसके लिए वो कंपेनियन बन जाएगा। जैसे ही मॉन्स्टर उसके पास जाता है, बॉय उसे डर जाता है और वो अपने पापा को बुलाता है फ्रैंकेनस्टीन। जैसे वो नाम सुनता है, वो उस बॉय को मार देता है। फिर वो वहाँ से भाग के एक बार में चला जाता है, जहाँ पे उसे एक ब्यूटीफुल गर्ल मिलती है जो सो रही होती है। तो जैसे उसने मारा होता है गला घोट के, तो उसके हाथ में नेकलेस रह जाता है जो उसके गले में था उस बॉय के। तो वो उस ब्यूटी के पास रख देता है गर्ल के पॉकेट में। और चैप्टर एंड होता है ये वाला। मॉन्स्टर डिमांड करता है विक्टर से कि उससे भी एक फीमेल काउंटर पार्ट चाहिए, क्योंकि उसको इतने ब्यूटीफुल गर्ल्स मिली, उसके तो ऐसी कोई है नहीं। तो वो चाहता है उसको भी एक ब्यूटीफुल गर्ल मिले। अब चैप्टर 17 से शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर 17 में आते हैं और इधर विक्टर की वॉइस पे फोकस होता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, विक्टर और मॉन्स्टर। मॉन्स्टर बोलता है कि चलो मेरे लिए एक फीमेल काउंटर पार्ट ना हो। तो विक्टर बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं तुम जैसा एक और मॉन्स्टर बनाऊंगा। और डिस्ट्रक्शन में बोलता है नो नो, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा। और तो मॉन्स्टर बोलता है तुम्हारी वजह से यहाँ पे एक तुम्हें फंसा हूँ एज ए क्रिएटर, तुम्हारी जॉब है, तुमने करना पड़ेगा। बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जैसी हम तुम मेरे लिए बनाओगे, हम दोनों साउथ अमेरिका चल जाएंगे, कोई भी ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं होगा, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। विक्टर बोलता है कि ठीक है, कर देता हूँ मैं इसके लिए। पर जैसे ही उसको देखता है, उसको एकदम हेटेड फील होने लगती है। बोलते हैं ठीक है, कर दूंगा, तुम जाओ यहाँ से। चैप्टर 18 में हम देखते हैं, तो ऑलमोस्ट इमिडिएटली विक्टर को सोचने लगता है कि मुझे क्रिएट करना चाहिए कंपेनियन या नहीं करना चाहिए। वो ये भी रियलाइज़ करता है कि उसको ये करने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ेगा। इंग्लैंड, तो अब इंग्लैंड जा रहा है। तो अब वो पापा को बोलते हैं, पापा मैं बस एलिजाबेथ से शादी करना चाहता हूँ। अल्फोंस बोलते हैं कि बस अभी हमारे फैमिली में सॉरो चल रही, तुम थोड़ी सी खुशी दे दो हमें। वो बोलते हैं नहीं नहीं अभी नहीं कर सकता मैं। उसको दिमाग में है कि अभी भी उसे वो बार्गेन अपना कंप्लीट करना है, इसलिए वो बोलता है मुझे इंग्लैंड जाना है कुछ काम करने, इसलिए वो वेडिंग भी बीच में टाल देता है। अल्फोंस और विक्टर एग्री करते हैं कि वो इंग्लैंड जब जाएगा तो बस वो एक ईयर के अंदर आ जाएगा, कुछ एक्सीड नहीं करेगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं विक्टर क्लर्वेल जाते हैं लंदन अक्टूबर में। विक्टर अभी भी सोच रहा है कि मैं क्या करूं, और वो अवॉइड करे लोगों को जब तक उसको इन्फॉर्मेशन ना हेल्प करे कि वो और मॉन्स्टर कैसे क्रिएट करे। विक्टर और क्लर्वेल फिर स्कॉटलैंड जाते हैं, जहाँ पर वो उसको फ्रेंड्स का छोड़ देता है, और फिर वो एक रिमोट आइलैंड जाता है और आगे रिसर्च करने के लिए। चैप्टर 20 में एक नाइट वो अपने लैब में काम कर रहा होता है, तो उसे लगता है कि जैसे वो मना भी कर सकते थे दोनों मॉन्स्टर मिलके कि हम नहीं जाएंगे यहाँ से, और वो अपने टाइप के न्यू डेविल्स बना ले। तो वो जैसे ही ऊपर देखता है, तो वो देखता है मॉन्स्टर विंडो पे है। तो वो उससे फिर गुजार है मॉन्स्टर, जैसे ही उसको देखते वो अपना वर्क पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर गुस्से में वहाँ से मॉन्स्टर निकल लेता है। बहुत आवर्स के बाद मॉन्स्टर फिर से आता है विक्टर के लिए। वो बोलता है सुन लो, रिवेंज में इससे बोलता है मैं तुम्हारी शादी की रात में आऊँगा। विक्टर को लगता है वो उसको मार देगा और एलिजाबेथ विडो रह जाएगी,
और फिर उसको एक लेटर मिलता है क्लेवरबेल से, जहाँ पे उसको अपना जो ट्रैवल है वो रिज्यूम करना होता है। विक्टर अपना सारा मटेरियल लेके वापस चल जाता है। जैसे ही वापस जाने वाला होता है, उसको एक ग्रुप ऑफ एंग्री मैन मिलते हैं जो उसको सस्पेक्ट करते हैं एक मर्डर जो प्रीवियस नाइट हुआ था। तो वो लोकल मजिस्ट्रेट से मिलने जाता है। चैप्टर 21 में हम देखते हैं, तो वो मिस्टर केरविन के ऑफिस में था जो लोकल मैजिस्ट्रेट थे। तो वो बताता है कि जो मैन हमें डेड बॉडी मिली है वो mid-20s में था, शोर पे हमें मिला था, और उसके नेक पे एक ब्लैक मार्क्स थे। तो और वो हमें तुम्हारे साथ सी में दिखा था। तो जैसे ही वो डेड बॉडी को लेके जाता है, उसको दिखता है तो मेरा दोस्त क्लर्वल है, और वैसे ही वो वहाँ पे गिर जाता है, बेड रिडन हो जाता है 2 month के लिए। जैसे ही विक्टर होश में आता थोड़ा सा, विक्टर केरविन उसे फिर भी अच्छा सा ट्रीटमेंट देते हैं। विक्टर को एडवाइस करते हैं कि मुझे पता है तुम फ्री हो जाओगे। 2 weeks लेटर उसे रिलीज किया जाता है, क्योंकि किसी के पास एविडेंस ही नहीं है उसके अगेंस्ट। तो अब वो लगता है कि नहीं, मुझे अपनी यहाँ फैमिली को प्रोटेक्ट करना है इस मॉन्स्टर से। अब वो फिर अपने पापा के पास चल जाता है जिनीवा में। चैप्टर 22, विक्टर अपने फादर को बताता है कि उसी ने जस्टिन का मर्डर किया, उसी ने विलियम को मारा है, उसी ने क्लरवल को मारा है। तो उसके फादर को लगता है क्या हो गया मेरे बेटे को एकदम। तो जब वो पेरिस में था तो उसको एक लेटर आता है एलिजाबेथ से। तो उसको लगता है कि कहीं उसने कोई और लवर तो नहीं मिल गया मेरी एब्सेंस में। एलिजाबेथ ने लिखा होता है लेटर में कि वो चाहती है उससे वो शादी कर ले। तो विक्टर को याद आता है, अरे यार मुझे तो मॉन्स्टर ने बोला था कि वो मेरे साथ होगा मेरी वेडिंग नाइट पे। और बोलता है चलो छोड़ो यार, या तो वो मुझे मार देगा या मैं उसे मार दूंगा, फाइनली जो होना है हो जाएगा, मैं इस डर से तो हटूंगा। फिर वो ये भी लिखे लेटर में कि हाँ ठीक है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बट वेडिंग डे के बाद मैं तुम्हें एक बहुत ही बुरा सीक्रेट आने वाला हूँ। फिर वीक बीत जाते हैं, विक्टर और उसके फादर जिनीवा में आते हैं। वेडिंग होती 10 दिन बाद। विक्टर और एलिजाबेथ एक कॉटेज में जाते हैं हनीमून के लिए। विक्टर भी अभी भी सोच रहा है मॉन्स्टर आएगा मुझे कुछ मार डालेगा या मेरी बीवी को कुछ कर देगा। एलिजाबेथ उसे अभी भी काम करने का ट्राई करिए, बट अभी भी वो काम नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि जो विक्टर है इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में बोलता है कि एलिजाबेथ तुम जाओ बेड पे, मैं तुम्हारी सेफ्टी मेजर देख रहा हूँ। वो पिस्टल विस्टल रख लेता है, जैसे ही मॉन्स्टर की वैसे अटैक करेगा। फिर वो उसको एकदम चीख सुनाई देती है। तो जैसे ही वो जाता है तो दिखता है कि एलिजाबेथ का मर्डर हो गया। वो इतना गम में चल जाता है कि वो फायर कर देता है उस पर, बट वो मिस हो जाती है। तो विक्टर वापस जिनीवा पर जाता है, उसकी न्यूज़ सुन के उसके फादर की भी डेथ हो जाती है कुछ दिनों बाद। विक्टर एकदम पागल हो जाता है, तो उसको सेल में रखना पड़ता है। जैसे ही वो सेंस में आता है, लोकल मजिस्ट्रेट उस स्टोरी सुनते हैं उसकी। उसको लगता है कि सच बोल रहा है कि नहीं, बट कंसिडर करना कि मॉन्स्टर को ट्रैक करना बहुत ही इम्पॉसिबल है ये। विक्टर बोलता है नहीं, मैं लूंगा बदला, अपने भाई का, अपनी बीवी का, सबका बदला मैं लूंगा। नेक्स्ट चैप्टर 24 में ये जो विक्टर है ये बोलता है कि यार मैं यहाँ से चल जाता हूँ हमेशा के लिए, और फिर अपने फैमिली के लिए जाता है। बोलता है मैं लूंगा आप लोगों का बदला, और विक्टर उस मॉन्स्टर को मिसरेबल ब्रिज पर लाता है और उसको भाग देता है उसके पीछे। बहुत मन से उसे ट्रैक करता है, नॉर्थवर्ड जाता है आर्कटिक रीजन में। जो क्लूज उसको मिले थे, नोट्स मिले थे जो मॉन्स्टर पीछे छोड़ के गया था, और इसी पॉइंट पे उसे वॉल्टन की शिप मिली थी। अब नरेशन आता है प्रेजेंट में। वो विक्टर को पता है कि वो मरने वाला है, बोलता है प्लीज मेरा बदला जरूर लेना। अब वॉल्टन की कंटिन्यूएशन में आते हैं। अब नॉवल रिटर्न करती है फ्रेम में, जहाँ पे हम देखते हैं वॉल्टन लेटर लिख रहा है अपनी बहन को, मार्गरेट को। अब लेटर वाइज देखते हैं, लेटर जो August 26 को जाता है, वॉल्टन बोलता है कि उसको बिलीव है कि जो विक्टर बोल रहा है वो सही है, और बोलते हैं हाँ मैं भी अपने एम्बिशन का विक्टिम तो हूँ। September 2 को लगता है कि जो उसके क्रू है और उसकी शिप है वो डेंजर में, क्योंकि वो सब ऐसे आइस कैप्स के बीच में फंस गए हैं।
सितंबर 5 को बोलता है कि उसके क्रियो ने डिमांड की है कि चलो यार वापस चलते हैं, बट विक्टर की जो स्पीच है उसने भी क्रियो का माइंड बदल दिया है। सितंबर 7 को वो भी मान जाता है और बोलता है कि ठीक है चल सकते हैं हम वापस। सितंबर 12 को फाइनली वो वापस आ जाते हैं सोचने का कि ठीक है हम चलते हैं। और अभी पता चलता है कि विक्टर की भी डेथ हो गई है। वॉल्टन इधर बोलता है, उसको इधर कुछ आवाज़ नहीं दे रही है जहाँ पे विक्टर की बॉडी है, तो अपनी बहन को बताता है कि उसने देखा मॉन्स्टर रो रहा है विक्टर की डेड बॉडी पे। वॉल्टन फिर उसे व्रेज बोलता है। मॉन्स्टर बोलता है मुझे हमेशा से लोगों ने ऐसे ही बोला है, मुझे कभी किसी ने प्यार दिया ही नहीं। और वो बोलता है कि मैं भी मर जाता हूँ, मेरा जीने का क्या ही मतलब। चलिए थीम्स पे आते हैं। पहली थीम है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ साइंटिफिक एम्बिशन। जो एम्बिशन था विक्टर का, उसकी वजह से ये ट्रेजेडी हुई उसके साथ। एक्सपेरिमेंट करना अच्छा होता है, बट जब आपको एम्बिशन आ जाए तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके अंदर, ओवर एम्बिशियस होने से होता है। नेचर वर्सेस नर्चर। तो मेन क्वेश्चन इसके अंदर एक्सप्लोर करते हैं कि जो मॉन्स्टर था वो हमेशा से ही ईविल था, या सोसाइटी के जो फैक्टर्स थे उन्होंने उसको ईविल बनाया। उसकी शक्ल देख के वो सब डर जाते थे, सब उसे चले जाते थे, कोई उससे बात भी नहीं करी, ऐसे ही सब निकल लेते वहां से। नेक्स्ट है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएशन। विक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उसको संभाले, ना कि वहां से भाग जाए। विक्टर को अब अगर बनाना था, अगर उसके अंदर एम्बिशन था, उसको फेस करना चाहिए, ना कि भाग जाना चाहिए था। विक्टर की गलती है इसमें। रिवेंज और वेंजेंस, वेंजेंस और रिवेंज में इसमें सबकी डेथ हो गई, किसी को कुछ नहीं इससे मिला। लॉस, पूरी हम नॉवल में देखते हैं डेथ हुई हर कैरेक्टर की, पूरी नॉवल में सोरो फैला हुआ है। और इधर हमारा ये चैप्टर और वीडियो भी ख़त्म होता है। और अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर यहाँ तक देख लिया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए जाना। एंड टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।